कुदरगढ़ में भगदड़ हुई थी, युवक की मौत, मुख्यमंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। मृतक की विधवा को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और साथ ही साथ कुदरगढ़ में जन चौपाल शुरू कर दिया गया। इससे पहले सीएम ने कुदरगढ़ी देवी की पूजा अर्चना की विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता भी की है। नक्सल समस्या पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से बात तब होगी जब नक्सली हथियार छोड़ मुख्यधारा से जुड़ेंगे। नक्सली सिमट रहे हैं, हमारे जवान नक्सलियों को मात दे रहे हैं। प्रतापपुर में खुलेगा कृषि महाविद्यालय, इस बात का भी ऐलान उन्होंने किया है। 2005 पहले की वन भूमि में काबिज लोगों को मिलेगा वन भूमि पट्टा। आते ही तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुदरगढ़ में जन चौपाल यहां पर लगाई गई। इससे पहले सीएम ने कुदरगढ़ी देवी की पूजा अर्चना यहां पर की विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच। और साथ ही प्रेस वार्ता भी उन्होंने की है मुख्य रूप से, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। नक्सली संगठन को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। नक्सलियों से बात तब होगी जब नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा से हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और तब हम उनसे बातचीत करेंगे। नक्सली सिमट रहे हैं, जवानों की तारीफ उन्होंने की है। जिस प्रकार से पुलिस जवान तैनात है, हमारे जवान नक्सलियों को मात दे रहे है, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान यहां पर किया। कुदरगढ़ में 2.5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और विकास कार्यों की सौगात यहां पर क्षेत्रवासियों को मिली है। सीएम भूपेश बघेल की कुदरगढ़ में जन चौपाल शुरू हो गई है। तो इससे पहले सीएम ने कुदरगढ़ी देवी में पूजा अर्चना की। वे वहां पर पहुंचे और विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही साथ नक्सलियों के मुद्दे पर भी प्रेस वार्ता करने के दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। जवानों का हौसला अफजाई किया और उन्होंने तारीफ करते हुए, जवानों की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे जवान नक्सलियों को मात दे रहे हैं, नक्सली सिमटते जा रहे हैं। नक्सलियों से बात तभी होगी जब वे अपनी धारा को छोड़कर हमारे साथ मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे और तब हम उनसे कुछ बातचीत कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जवानों की तारीफ भी की है। जिस प्रकार से जवान यहां पर तैनात है सुरक्षा में और दिन रात वे कड़ी पहरी कर रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए, इसकी तारीफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान में की है। बहरहाल अभी कुदरगढ़ में पहुंचे हैं जहाँ जन चौपाल उनकी शुरू हो चुकी है। तो नक्सली मुद्दे पर भी उन्होंने जिक्र किया है और इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने बात कही है कि नक्सलियों से बात तब होगी जब वे अपने गलत कामों को छोड़कर मुख्यधारा में लौटेंगे। कुदरगढ़ में 2.5 करोड़ रुपए के भूमि पूजन विकास कार्यों की सौगात यहां पर क्षेत्रवासियों को दी गई है। कुदरगढ़ में जन चौपाल की शुरुआत हो चुकी है। इसी से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कुदरगढ़ में भगदड़ जो हुई थी जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहयोग की घोषणा की है। तो यहां एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए आर्थिक सहयोग की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर की है। कुदरगढ़ में भगदड़ में युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद बतौर सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए मृतक की विधवा को यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए नौशाद अहमद सहयोगी हमारे साथ में सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, एक ओर उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है, साथ ही साथ में यहां मुआवजा सहयोग राशि दिए जाने की का भी ऐलान उन्होंने किया है। क्या कुछ अपडेट, विस्तृत रूप से जानकारी पूरी जी बताना चाहूंगा कि किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री सूरजगढ़ जिले के दूसरा दिन है, जिससे पहले कल और आज प्रतापपुर में रहे और वहाँ पे करोड़ों की सौगात दी। साथ ही कृषि विद्यालय की भी वहाँ पे सौगात दी, कोविड हॉस्पिटल की सौगात दी, साथ ही कई तरह के वहाँ पंचायतों को उन्होंने सौगात दी, बिजली की सौगात दी। आज साथ उसके बाद ही आज वो अभी भटगांव विधानसभा के कुदरगढ़ धाम पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने करोड़ों रुपये की लागत शिलान्यास भूमि पूजन की। साथ ही जो अभी कुछ दिन पूर्व जो परिवार पर दो लोगों के बीच की घटना हुई थी और जिसके दौड़ते समय एक युवक की मौत हो गई, उस परिवार की विधवा को 4 लाख रुपए भी देने की घोषणा की। जिस तरह से बताना चाहूंगी, प्रदेश मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, वहीं एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। अधिकारियों पर जो जिनकी शिकायत मिली उन पर तत्काल कार्रवाई की कह रहे हैं, जिससे यहाँ की जनता काफी बता रहा हूँ प्रभावित है और लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित है। आज जिस तरह से भटगांव विधानसभा में लोग उनसे मिलने के और उनसे सौगात के साथ साथ जो अधिकारी कर्मचारी
काम नहीं करें, उनकी शिकायत करने को लेकर भी यहाँ पे लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। आज दूसरा दिन अभी उदयगढ़ के बाद उनका बिहारपुर में दौरा है, बिहारपुर जाएंगे, वहाँ जन चौपाल में लोगों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लटोरी पहुँचेंगे, लटोरी आएंगे, लटोरी में लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम उनका यहाँ भटगांव के एसएचएल में रुकने का व्यवस्था है। मिला कि आज यहाँ के जो संसदीय सचिव अभी कुछ काफ़ी उनसे उम्मीद रखे हैं कि उनके काफ़ी सौगात देंगे और कई तरह के लिस्ट बढ़ा के रखें। आज उनका दूसरा दिन है और अभी देखना है कि किस तरह से उनका आज दूसरा दिन जाता है, हम उनको निगाह बनाए हैं। कल उनके इसी तरह से कल उनका तीसरा प्रेमनगर पे जो लास्ट दिन है प्रेमनगर पे विधानसभा का रहेगा, जो कई जगह जाएंगे और कई कई लोगों को मुलाकात करेंगे और लाखों करोड़ों की सौगात देंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ और कौन मंत्री उनके साथ में इस दौरे में शामिल हैं? जी बता दें, उनके साथ हैं जो यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री डोरिया जी हैं और यहाँ के जो प्रेमनगर के अरे यहाँ प्रेम साय जी मंत्री हैं वो उनके साथ हैं, साथ ही संसदीय सचिव जो बड़गांव के विधायक हैं वो उनके साथ अभी खुदगढ़ से बिहारपुर के लिए रवाना होंगे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से दो और साथ ही सियास और जितने भी आला अधिकारी उनके साथ हैं, तो इस बार दो हेलीकॉप्टर के साथ मुख्यमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं दो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, एक पूरे मंत्री और खुद मौजूद रहते हैं, एक पूरे जितने भी बड़े जिले प्रदेश के जो बड़े अधिकारी उनके साथ रहते हैं और वहाँ पर जन चौपाल लगाते हैं। चलिए बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नौशाद आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे।